नमस्कार, निष्ठा मॉड्यूल 4 कला समेकित शिक्षा की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। उससे पहले गतिविधि 1 की प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। सही या गलत चुनें। पहला प्रश्न है, फोटोग्राफी कठपुतली बनाना, मुखौटा बनाना प्रदर्शन कला के उदाहरण है। सही जवाब है गलत। नेक्स्ट, कला समेकित शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ाता है। सही जवाब है सही। नेक्स्ट, कला समेकित शिक्षा एक विषय है। सही जवाब है गलत। तीन प्रश्न हमने हल किए हैं और स्कोर हमारा गतिविधि 1 का 3/3 आ चुका है। गतिविधि 1 के बाद गतिविधि 3 की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। सही या गलत चुनें। पहला प्रश्न है, कला एकीकरण में शिक्षण अधिगम सतह क्षेत्र और आयतन प्रकृति में अनुभवात्मक है और छात्रों को योग्यता आधारित सीखने में मदद करेगा। सही जवाब है सही। आप होम स्वीट होम गतिविधि में विभिन्न त्रिआयामी आकृतियों की सहायता से विभिन्न वास्तुशिल्प डिजाइन बना सकते हैं। सही जवाब है सही। नेक्स्ट, AIL के माध्यम से आपका घर का रेखाचित्र होम स्केच बनाने की गतिविधि में कई संसाधनों का उपयोग शामिल है जिन्हें हासिल करना मुश्किल है। सही जवाब है गलत। हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं, गतिविधि 3 के प्रश्न भी हमारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। निष्ठा मॉड्यूल 4 कला समेकित शिक्षा के बाद हमने गतिविधि 1 और गतिविधि 3 को हल कर लिया है। अब हम उसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। इसके प्रश्न जो हैं सभी शिक्षकों के लिए अलग लगा रहे हैं। कुल 20 प्रश्न मैं यहाँ बताऊँगा और बाकी जो मिश्रित प्रश्न हैं जो अलग लगा रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दी जाएगी प्रश्न और उत्तर की, जिसकी मदद से आप अपने प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर लेना। तो जो 20 प्रश्न मेरे दीक्षा ऐप में आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। पहला है, मूर्तिकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। जल रंग के साथ चित्रकारी। AIL अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जाति, उनकी सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान स्थान और अवसर प्रदान करता है। सही जवाब होगा सभी विषयों के लिए मान्य। नेक्स्ट है, कला एकीकृत शिक्षा क्या है। कला को पाठ्यक्रम में अन्य विषयों के साथ जोड़ना। कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है। सही जवाब है, नए कौशल को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट, कला एकीकृत शिक्षा किस रूप में महत्वपूर्ण है। सही जवाब है, यह अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे AIL दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया गया है। लिखित असाइनमेंट। कला एकीकरण छात्रों की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषयों के बीच बहुविषयक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। सही जवाब है हाँ, AIL उन्हें विभिन्न विषयों के बीच बहुविषयक संबंध दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता है। मूर्ति बनाना। लोक दृश्य कलाओं में रंग प्राप्त करने का एक अपरंपरागत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब है क्रेयॉन। शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भों में जीवंतता लाती है। सही जवाब है सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त। कला समेकित शिक्षा AIL एक शिक्षण अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है। सही जवाब है सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं के मदद करती है स्पष्ट करने में। कला के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है। सही जवाब है रटकर सीखना, इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता। निम्नलिखित में से कौन सा AIL के अंतर्गत नहीं आता है। सैद्धांतिक टिप्पणियाँ यानी कि नोट्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN को बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ कला अनुभव करने में CWSN बच्चों के लिए बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है। इस मॉड्यूल में होम स्वीट होम शीर्षक दृश्य कला से संबंधित है। कला समेकित शिक्षा को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। सही जवाब है
कला समेकित शिक्षा, शिक्षा शास्त्र पर एक शिक्षक की क्षमता निर्माण, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कला एकीकृत शिक्षा के विकास में मदद करता है। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। कुल 20% हो गए हैं, सबमिट करेंगे और हमारा स्कोर भी 20/20 आ चुका है। इस प्रकार सभी प्रश्न हमारे सही हैं। अब एक अलग अलग जो मॉड्यूल आपके आ रहे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।